की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सतगुरु चरणिको करो सुप्रीम प्रणाम। आशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रह की लाज। बाहें ग्रह की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धे आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए और मूल मिलावे के अंदर ही हम बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर, है ना। आइए लाडले सुंदर साथ जी आज धाम धनी का हुक्म मिला कि परम धाम की आत्माओं के हृदय में जब तक पूर्ण मूल मिलावा खड़ा ना हो जाए तब तक लगता है सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी को और हमारी सिरदार श्री इंद्रावती जी को सुकून नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा। वो चाहती हैं कि जितना भी श्री इंद्रावती जी का ये लॉकडाउन ग्रुप जो भी इस वाणी चर्चा को सुन रहे हैं उन्हें अपने हृदय के अंदर जब भी चिंतन करें, जब भी ध्यान करें, खाते पीते उठते बैठते खेलत सुपन जागृत दम ना छोड़े माशुक सो जाकि असल हक निस्बत। एक क्षण के लिए भी ब्रह्मात्माओं के हृदय से मूल मिलावा ओझल ना हो। इसीलिए सुंदर साहब जी हमारी महामती श्री इंद्रावती जी हमारे ऊपर इतना यतन प्रयत्न लगा के और हमारे हृदय में मूल मिलावे को खड़ा करना चाहती हैं। तो आइए लाडले सुंदर साहब जी आज हम मूल मिलावे की चर्चा सुनेंगे। पर अब तक जिसका मूल मिलावा पढ़ने का नियम नहीं था वो समझ सुंदर साथ आज से मूल मिलावा भी पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि मेर सागर तो आप पढ़ते हैं पर मूल मिलावा भी पढ़ना सभी शुरू करेंगे तो हमें आनंद आएगा रोज। और पढ़ते ही हमारे अंदर मूल मिलावा खड़ा हो जाए ऐसे धाम के धनी चाहते हैं कि लाडली आत्माएं मूल मिलावे के अंदर अपनी सुरता को रखें। आइए लाडले सुंदर साहब जी हम मूल मिलावे की ही चौपाई को गा के और धनी जी के चरणों में मूल मिलावे के अंदर अपनी सुरता को लगाते हैं। इन विध साथ जी जागिए। इन विध साथ जी जागिए। बताए देहो रे जीवन। इन विध साथ जी जागिए। बताए देहो रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी
जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊ रे जीवन, इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊ रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, याद करो सोई सायत, हसने मांगे अखेल, याद करो सोई सायत, हसने मांगिया खेल, सो खेल खुशहाली लेके, उठो कीजिए खेल, सो खेल खुशहाली लेके, उठो कीजिए खेल, उठो कीजिए खेल, इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊ रे जीवन, इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊ रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माही, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माही, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाही, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाही, तले भोम बैठे हैं जाही, इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊ रे जीवन, इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊ रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी मन में विचार कर रहे हैं कि समस्त सुंदर साथ को अगर 50 करोड़ योजन जिमी पूरा परम धाम हृदय में ना आ सके तो एक ऑप्शन भी दे दिया उन्होंने परम धाम की आत्माओं के लिए। क्या ऑप्शन दे दिया? शॉर्टकट रास्ता भी बता दिया। वो शॉर्टकट रास्ता क्या है? वो शॉर्टकट रास्ता है कि सुरता एक ही राखिए, श्री मूल मिलावे माहे, श्री श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाए। श्री जी ने कहा अगर समस्त आत्माएं पूरे परम धाम का 25 पक्षों का चितवन रोज नहीं कर सकती तो एक काम करना। क्या करना? अपनी सुरता को
मूल मिलावे के अंदर रखना। और जो आत्माएं मूल मिलावे के अंदर अपनी सुरता को रखेंगी तो लाडले सुंदर साथ जी उन आत्माओं की भी जागनी हो जाएगी। इसलिए महाराज श्री ज्वारदास जी के हृदय में विराजमान साक्षात श्री प्राणनाथ जी और जो हमें ये वाणी चर्चा सुना के हमारी आत्माओं को जागृत कर रहे हैं और आज मूल मिलावे के अंदर फिर से हमें लेके जा रहे हैं। सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी अपने समय में भी जब तक किसी भी आत्मा को एक पक्ष अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता था, अच्छे से हृदय में नहीं बैठ जाता था ना सुंदर साथ जी, तब तक महाराज श्री ज्वारदास जी चर्चनी आगे नहीं चलाते थे। वो एक एक चीज को सौ सौ बार समझाते थे ताकि परम धाम की आत्माओं के हृदय में ये निद, ये खजाना, ये मूल मिलावा खड़ा हो जाए। आज भी वही सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की अपरंपार कृपा से हम सब आत्माएं आज शायद 3 महीने होने को आए हैं, 3.5 महीने हो गए, हम सब आत्माएं ये चर्चा जो सुन रही हैं, ये सब कृपा मेरे सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी जो वाणी विशारद चर्चनी सम्राट परमहंस श्री श्री 108 महाराज श्री ज्वारदास जी हमें ये जाम पिला रहे हैं, ये प्याले पिला रहे हैं। उन्होंने दोबारा हुक्म किया कि अभी तक मूल मिलावा हृदय में जिस तरह आना चाहिए वैसे नहीं आया, सीरियल वाइज एक एक चौपाई को खोल खोल के सुनाया जाए ताकि सुंदर साथ के हृदय में जब भी मूल मिलावा पढ़े, और नियम से पढ़ना ये भी सतगुरु जी का हुक्म है, और जब भी मूल मिलावा पढ़ोगे चौपाई को बोलते ही मूल मिलावा खड़ा हो जाए। इस तरह से मीठी रस भरी चर्चा करके हमें धाम के धनी सतगुरु महाराज श्री जी इस मूल मिलावे का दीदार दर्शन हमारे हृदय से करवाना चाहते हैं। तो आइए लाडले सुंदर साथ जी, पहली चौपाई इनविद साथ जी जागिए। आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी सागर ग्रंथ के 7वें प्रकरण के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि इनविद साथ जी जागिए। ए लाडले सुंदर साथ जी, मैं आपको जागने की एक युक्ति बता रहा हूं, एक जीवन शैली बता रहा हूं। इनविद साथ जी जागिए, बताए देवरे जीवन। ए सुंदर साथ जी, इस प्रकार से आप जागृत हो सकते हो। मैं एक जीवन शैली, एक जीवन की युक्ति आप सुंदर साथ को बता रहा हूं कि श्री श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन, रंग महल की प्रथम भौम में 5वीं हवेली गोल जो मूल मिलावा है उसके अंदर साक्षात श्री राज श्यामा जी विराजमान है। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन, उस वतन के अंदर रंग महल के अंदर श्याम श्यामा जी श्री राज जी और श्यामा जी मूल मिलावे के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और लाडले सुंदर साथ जी, देखा जाए तो अभी एक क्षण भी नहीं बीतता, बैठक गर्मी ना टरी, सोई पल सोई घड़ी अभी चल रही है, और हम सब आत्माएं मूल मिलावे के अंदर धाम धनी जी के श्री चरणों में बैठी हैं, और सब आत्माओं की सुरताई तो उतर के आई हैं इस खेल के अंदर। लाडले सुंदर साथ जी, उसी सुरता को ही हमें मोड़ना है, कहां लेके जाना है, मूल मिलावे के अंदर अपने पर आत्म के तन में लेके जाना है। तो लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी फरमा रहे हैं श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन, याद करो सोई सायत। अब धनी जी फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, उस घड़ी को आप याद करो जो हंसने मांगा खेल, जो हमने श्री राजी महाराज पे हंसने के लिए ये खेल मांगा था, क्योंकि हम सब आत्माओं को ये लगता था कि हमारा इश्क बड़ा है,
हमारा प्यार ज्यादा है, क्योंकि हम 12,000 ब्रह्म आत्माएं हैं और श्री राजजी महाराज तो अकेले हैं। हम 12,000 ब्रह्म आत्माएं श्री राजजी महाराज की आशिक हैं, तो ये सोच के, क्योंकि धनी जी रोज कहते थे मेरा प्यार ज्यादा है, श्री श्यामा जी कहती थी मेरा प्यार ज्यादा है, और हम ब्रह्मात्माओं ने कहा हमारा प्यार ज्यादा है, तो श्री जी फरमा रहे हैं कि याद करो सोई सायत, जो हंसने मांगा खेल, जो हमने हंसने के लिए श्री राज्जी पर हंसने के लिए ये खेल मांगा, और सो खेल खुशहाली लेके, अब इस खेल के अंदर खुशियां लेके उठो कीजिए खेल। ए लाडले सुंदर साथ जी, अब इस खेल के अंदर खुशी तब होगी ना रूह को आत्म को, जब यहीं बैठे बैठे परम धाम की आत्मा को मूल मिलावा और मूल मिलावे में बैठे हुए श्री राज श्यामा जी का चिंतन ध्यान करने से प्रत्यक्ष रूप में आभास होने लगे कि ये रे मेरे राजजी और रे मेरी श्यामा जी, अरे मेरे तो सेहरग से नजदीक है मेरे हक सुभान, मेरे प्रीतम मेरे इतने नजदीक है, क्योंकि वो कोई दूर थोड़ी है, हमें सुरता के द्वारा अपने पर आत्म वाले तन के अंदर ही तो प्रवेश करना है सुंदर साथ जी, और पर आत्म का तन मूल मिलावे में श्री राजजी महाराज के चरण कमलों में बैठा है, आया गया कोई नहीं, कहीं हम आए गए तो है नहीं, तो अपनी सुरता को लेके जाना है। तो श्री जी फरमा रहे हैं कि सुरता एक ही राखिए श्री मूल मिलावे माए, जब तक हम संसार के अंदर रहे ना लाडले सुंदर साथ जी, तो हमें अपनी सुरता को मूल मिलावे के अंदर जोड़ के रखना है। सुरता एक ही राखिए श्री मूल मिलावे माए, श्री श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं, जाहे कहाँ रखे सुरता को, जहां पे राजजी श्यामा जी और परम धाम की ब्रह्म आत्माएं सब इकट्ठी बैठी हैं, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं, जाएं तले भोम कौन सी, मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं हम सब के सब। 64 थंब चबूतरा इत कठेड़ा विराजत, धनी जी फरमा रहे हैं, श्रीजी साहिब जी फरमा रहे हैं, 64 थंब चबूतरा, इस चबूतरे की कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है ना सुंदर साथ जी मूल मिलावे का, कल भी प्रश्न था शायद आपका कि कितनी सीढ़ियां आई हैं चारों तरफों, तो जो कमर भर ऊंचा चबूतरा होगा ना परम धाम के अंदर, जो भी चबूतरा कमर भर ऊंचा होगा ना उसको तीन तीन सीढ़ियां आएंगी। तो ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है चारों तरफों इसके तीन तीन सीढ़ियां आई हैं, तो शिवजी फरमा रही हैं इस चबूतरे की किनार के ऊपर 64 थंब, इस चबूतरे की किनार के ऊपर 64 थंब लगे हुए हैं, 64 थंब चबूतरा, ये 64 थंबों वाला जो चबूतरा है इत कठेड़ा विराजत, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, कठेड़ा सोने की ग्रिल लगी हुई है, जिसमें परम धाम के हीरे मानिक मोती नीलवी अनेकों प्रकार के नंगों की नक्शकारी चित्रकारी इस कठेड़े के अंदर इस ग्रिल के अंदर की हुई है। लाडले सुंदर साथ जी, हम एक कानों के आभूषण को खेल में देखते हैं, उसमें थोड़ी सी मीनाकारी की होती है, कोई भी ज्वेलरी को हम देखें उसमें थोड़ी सी मीनाकारी की होती है तो कितना सुंदर लगता है, सोने के अंदर मीना लगा हुआ, सोने के अंदर नंग लगे हुए, तो सुंदर साथ जी ये तो सोना भी परम धाम का, और यहाँ के नंग भी अखंड श्री परम धाम के, हीरा भी तिहज भोमना, श्री जी ने वाणी में फरमाया हीरा भी अखंड श्री परम धाम का, और ये हीरे नंग मोती भी खुद धाम के धनी स्वयं बने हैं परम धाम के अंदर, तो ये हीरा कैसे होगा, ये थंब कैसे होंगे, ये सारा वर्णन इस मूल मिलावे के अंदर हमें धनी जी सुना रहे हैं कि 64 थंब चबूतरा, चबूतरे के किनार के ऊपर 64 थंब आए हैं इत कठेड़ा विराजत, और चारों तरफों कठेड़ा आया है, तले गीलम ऊपर चंद्रमा, तले तले मैंने नीचे,
नीचे लाल रंग का कालीन बिछा हुआ है, लाल रंग की गिलम बिछी हुई है और ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर हरे रंग का चंद्रमा लगा हुआ है और 64 थंब भरायत और 64 थंबों से भरा हुआ ये सुंदर मूल मिलावे का जो चबूतरा है वो झलझल कार कर रहे है। सुंदर साथ जी कठेड़ा किनार पर, अब शिव जी फरमा रहे हैं कठेड़ा कहाँ आया है, किनारे के ऊपर कठेड़ा आया है, चबूतरे गिरदवाए, चबूतरे की गुलाई में, चबूतरे को घेर के, चबूतरे को चारों तरफों से घेर के ये सुंदर ग्रिल, ये सुंदर कठेड़ा आया है। सुंदर साथ जी 16 थंबों लगता और एक एक खांचे के अंदर 16-16 थंब आए हैं। ए जुगत अति शोभाए, और कहते ये युक्ति बड़ी प्यारी लग रही है क्योंकि चारों खांचों के अंदर 16-16 थंब आए हैं और वो 16-16 थंब चार द्वार चारों तरफों, अब कह रही है कि चार दरवाजे चारों तरफों आए हैं, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चार दरवाजे चारों तरफों, चार द्वार चारों तरफों और कठेड़ा सब पर। और कह रहे हैं ये जो चार दरवाजे है ना सुंदर साथ जी, इसकी जगह छोड़ के, क्योंकि ग्रिल लगानी है तो दरवाजे की जगह छोड़नी होगी ना, तो शिव जी फरमा रहे हैं कि चारों द्वार की, चारों दरवाजों की जगह छोड़कर और कठेड़ा सब पर और चारों तरफों से ये सुंदर ग्रिल लगी है, पर दरवाजे वाली जगह पे ग्रिल नहीं लगी हुई, चारों दरवाजों की जगह को छोड़ दिया, चार द्वार चारों तरफों और कठेड़ा सब पर, 64 थंबों के बीच में गिलम बिछाई भरकर, और इन 64 थंबों के बीच में इस कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर चारों तरफों सुंदर पशम की लाल रंग की गिलम, सुंदर लाल रंग का सुंदर साजी कालीन बिछा हुआ है जो बैठने से एक हाथ नीचे दब जाता है स्प्रिंग की तरह और उठते हैं तो ऊपर उड़ जाता है, ऐसा मखमल का सुंदर कालीन इस मूल मिलावे के अंदर बिछा हुआ है। कहूं 64 थंबों का बेवरा, अब शिवजी फरमाते हैं कि इन 64 थंबों का विवरण भी बता दूं, चार धात, कहते चार तो धातु हैं और 12 नंग, चार थंब इसमें धातु के आए हैं और 12 थंब नंगों के आए हैं, क्योंकि 16 थंब आए हैं ना सुंदर साथ जी, तो श्री जी खोल के बता रहे हैं एक एक चौपाई के अंदर के सुंदर साथ जब मूल मिलावे की परिक्रमा करने लगे तो सुंदर साथ दौड़ के परिक्रमा कर लें, जैसे हम यहीं बैठे बैठे श्री गुम्मट जी मंदिर के अंदर की परिक्रमा करना चाहें तो जो सुंदर साथ श्री पांच पद्मावती पूरी धाम के अंदर जाते ही रहते हैं, जिन पर श्री जी की अपरंपार कृपा हो, वो सुंदर साथ एक क्षण में अपनी सुरता को श्री गुम्मट जी में ले जाके और परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि श्री गुम्मट जी भी तो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है ना, ये परम धाम का मूल मिलावा, और श्री गुम्मट जी क्या है, श्री गुम्मट जी जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। अब तक हम सुंदर साथ को कहते थे कि सुंदर साथ जी जिसने परम धाम देखा ही नहीं, जिसने मूल मिलावा समझा ही नहीं, तो उन सुंदर साथ को चर्चा के अंदर कहते थे कि सुंदर साथ जी अगर आपको वो मूल मिलावा नजर नहीं आता ना तो श्री गुम्मट जी जो है ना ये जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है, और इस जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे के अंदर भी सुरता को ले जाओगे तो सुंदर साथ जी आत्मा जागृत हो जाएगी, क्योंकि इस मूल मिलावे के अंदर भी हमारे साक्षात धाम के धनी श्री जी साहिब जी विराजमान है, क्योंकि इस मूल मिलावे के लिए कह दिया जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है, श्री गुम्मट जी जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है, परम धाम की रूहों का ये असल ठिकाना है,
जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा श्री गुम्मट जी। तो बात कर रहे थे कि जैसे श्री गुम्मट जी हमने अच्छे से देखा हुआ है और अपने हृदय के अंदर श्री गुम्मट जी को अच्छे से साक्षात स्वरूप में चितवनी कर करके ध्यान कर करके विराजमान किया है, तो जब चाहो तब हम गुम्मट जी का दर्शन कर सकते हैं। इति ही बैठे अपने घर में बैठे बैठे हम जैसे गुम्मट जी का दर्शन कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी, ऐसे ही धाम के धनी चाहते हैं कि जब भी ब्रह्म आत्माएं इस खेल के अंदर बैठे हुए एक पल के लिए भी अपने मूल मिलावे के अंदर जाना चाहें और मूल मिलावे की परिक्रमा करना चाहें, तो एक पल के अंदर मूल मिलावे की परिक्रमा करते हुए एक एक थंब का रंग, उसका झलकार, उसकी शोभा सब कुछ हृदय में आ जाए। इसलिए शिवजी साहिब जी ने ये मूल मिलावे का वर्णन इतना विस्तार पूर्वक किया है। फरमाने कि कहूं 64 थंबों का बेवरा, कहते 64 थंबों का विवरण मना बताती हूँ। महामती जी कहते हैं चार धात 12 नंग, चार तो धातु हैं और 12 नंग हैं, बने चारों तरफों जुदे जुदे भे सोले जिनसो रंग, ये चारों तरफों अलग अलग इनकी शोभा है और ये 16 बने हुए हैं और चारों तरफों एक एक रंग के, तैसी तरफों चार, चारों तरफों एक एक रंग के। श्री जी फरमा रहे हैं चारों तरफों आपको एक एक रंग का थंब मिलेगा और तैसी तरफों चार और नए नए रंग एक दूजे के संग, एक रंग के साथ दूसरा रंग नया ही मिलेगा। चारों तरफों 64 शुमार और चारों तरफों 64 थंब आए हैं और एक से बढ़कर एक सुंदर थंब अलग अलग रंगों के आए हैं। ये चार नाम कहे धात के, अब शिवजी बता रही हैं कि धातु के चार नाम सुनो, क्योंकि चार थंब जो धातु के आए हैं ना वो धातु कौन सी है। ये चार नाम कहे धात के, हेम कंचन चांदी नूर, ये चार थंब धातु के हैं। पहला थंब है हेम, हेम भी सोना ही होता है पर वो लाल रंग का। कंचन, कंचन की लालगी ज्यादा होती है। हेम कंचन और चांदी और नूर, नूर मैंने स्टील या लोहा, महर्षि जी ने दोनों शब्द लिखे हैं है ना। तो ये चार धातुओं के चार थंब हैं और ये चार रंग का बेवरा लिए खड़े जहूर। ये चार जो धातु के थंब हैं इनका इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा है और ये अपना प्रकाश लेके सुशोभित हो रहे हैं। अब आप लिख लेना, क्योंकि आपसे प्रश्न तो पूछे जा चुके हैं कि चार धातु वाले थंब कौन से हैं और 12 नंगों वाले थंब कौन से हैं, पर फिर भी आप अपने एक रजिस्टर के ऊपर एक एक शब्द सुंदर इस मूल मिलावे को अपने लिए लिख के रख लें सुंदर शब्दों से, क्योंकि जब भी आपका दिल चाहे अपना रजिस्टर खोलें और उसको पढ़ के फिर से चितवनी हो सकती है लाडले सुंदर साथ जी। और फिर आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, कभी हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे हमारा रजिस्टर उठाएंगे तो वो सोचेंगे कि हमारी माँ हमारी दादी किस प्रकार से मूल मिलावे का चितवन करती थी, किस प्रकार से मूल मिलावे के अंदर अपने सुरता को लगाया। तो लाडले सुंदर साहब जी नोट करते जाना, लिखते जाना, क्योंकि ये अनमोल खजाना है हमारे धाम धनी का। तो ये चार रंग का बेवरा लिए खड़े जहूर, तो सिरजी फरमा रही है ये चारों रंगों का जो बेवरा है ये अपना पूरा प्रकाश पूरी शोभा लेके खड़े हैं चार थंब और 12 जवेरों का बेवरा। अब 12 जवेरों का नाम बता रहे हैं, 5 पाने हीरे पुखराज। कहते अब 12 थंब कैसे होंगे, पहला थंब कौन सा है सुंदर साथ जी। हम पूर्व दिशा के अंदर से शुरू करेंगे ना, पहले गेट से गिनना शुरू करेंगे है ना। तो पहला 5, 5 मैंने हरे रंग का, 5 पन्ना
हीरा पुखराज, शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे गिने हम इन 16 थंबों को, 16 थंबों को किस प्रकार से गिने, 12 थंबों को किस प्रकार से गिने, 4 थंब किस प्रकार से गिने। तो अब और 12 जवेरों का बेवरा, अब ये जो 12 नंगों के थंब आए हैं, इन 12 नंगों के थंबों का वर्णन कर रहे हैं शिरजी साहिब जी इस मूल मिलावे के अंदर। 5 पाने, पहला 5 का है, दूसरा पन्ना का, फिर हीरा, फिर पुखराज, मानिक मोती गोमादिक रहे पिरोजा विराज, फिर मानिक का, फिर मोती का है, फिर गोमादिक और फिर पिरोजा, पिरोजा का आ गया, फिर नीलवी और लसनिया, फिर कौन सा आ गया, फिर नीलवी का और फिर लसनिया और परवाली लाल, और कौन सा आया, लाल रंग, परवाल का रंग कौन सा है, लाल रंग और परवाली लाल और रंग कपूरिया ए रंग बारे इन मिसाल। तो कहते और कौन सा, और कपूरिया। इस प्रकार से ये 12 थंब आए हैं सुंदर साहब जी। पहला थंब आया 5, फिर पन्ना, फिर हीरा, फिर पुखराज, फिर मानिक, फिर मोती, फिर गोमेद, फिर पिरोजा, फिर नीलवी और फिर लसनिया और फिर लाल रंग का परवाल, फिर कपूरिया, कपूरिया रतन। ये सुंदर 12 थंब 12 नंगों के शोभायमान हो रहे हैं और 4 द्वार 4 रंग के 8 थंब है जो इन अब अलग अलग दरवाजों का महामति वर्णन कर रही हैं कि अब 4 दरवाजों के ऊपर जो थंब आए हैं उनका भी आप अच्छे से चिंतन करना है ना। 4 द्वार 4 रंग के 4 दरवाजे हैं और 4 ही रंग के हैं, 8 थंब भय जो इन, इनके 8 थंब हो जाते हैं। सुंदर साहब जी विस्तार करके बताएंगे क्योंकि पूर्व दिशा के अंदर 2 थंब कौन से आ जाएंगे, 5 के है ना, फिर दक्षिण दिशा के अंदर 2 थंब कौन से आएंगे, मानिक के है ना, फिर पश्चिम दिशा के अंदर 2 थंब कौन से आ जाएंगे, नीलवी के, फिर उत्तर दिशा के अंदर 2 थंब कौन से आ जाएंगे, पुखराज के। ये वर्णन करके बता रही हैं कि मेन गेट जो हैं मूल मिलावे के, चारों मेन दरवाजे जो मूल मिलावे के हैं, उन 4 दरवाजों के ऊपर किस प्रकार से 8 थंब आए हैं। 4 द्वार 4 रंग के 4 दरवाजे हैं और 4 रंग के झलझलकार कर रही हैं, 8 थंब है जो इतन, इन 4 दरवाजों के ऊपर 8 थंब आए हैं। और 5 देखो अब वर्णन कर रहे हैं, 5 पहला पूर्व की दिशा में कौन सा आ जाएगा, 2 थंब कौन से आएंगे, 5 के, फिर दक्षिण दिशा में मानिक, आप मूल मिलावे का ये गोटा लेके बैठना ताकि आपको एक एक चौपाई क्लियर होती जाए, बिल्कुल अच्छे से समझ आता जाए मूल मिलावा, चौपाइयों से समझोगे ना सुंदर साहब जी तो जब पढ़ोगे तो और आनंद आएगा आपको। अब देखिए किस प्रकार से 4 दरवाजों के वर्णन कर रहे हैं शिरजी साहिब जी कि 5 5 कौन सी दिशा में आया, हरे रंग के थंब आए पूर्व दिशा में, और मानिक, मानिक कौन सी दिशा में आए, दक्षिण दिशा में, क्योंकि सुंदर साहब जी हमें शिरजी साहिब जी परिक्रमा करवा रहे हैं मूल मिलावे की, तो जब हम परिक्रमा करेंगे तो हम पूर्व से दक्षिण जाएंगे, दक्षिण से पश्चिम दिशा में जाएंगे और पश्चिम से उत्तर दिशा में जाएंगे, फिर उत्तर से पूर्व दिशा में आएंगे है ना, इसी प्रकार से परिक्रमा होती है ना सुंदर साहब जी। तो ये परिक्रमा करवा रहे हैं हमें, फरमा रहे हैं कि 5 पूर्व दिशा के अंदर हरे रंग के 2 थंब आए 5 के, और फिर हम दर्शन करते हुए परिक्रमा करते हुए गए तो दक्षिण दिशा का जो गेट था उस दक्षिण दिशा के गेट के ऊपर 2 थंब मानिक के आए, 5 मानिक और नीलवी, और पश्चिम दिशा में जब हम गए तो हमें पश्चिम दिशा का दरवाजा जो मिला वो नीलवी, नीलम का के 2 थंब इतने सुंदर और नीलवी का दरवाजा मिला, और द्वार पुखराज 4th रोशन। और शिरजी फरमाते हैं कि 4th दरवाजे पे जब हम आए तो 4th दरवाजे पे हमें
पुखराज के थम मिले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी समय हो गया और देखा ही नहीं परिक्रमा करते हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी देखिए धनी का क्या करिश्मा है, मैंने तो सोचा भी नहीं। ये प्रश्न तो 3 दिन पहले बनाए थे और आज धनी ने इसीलिए इनका वर्णन कर दिया कि सुंदर साथ को मुश्किल ना हो, तभी लगता है मुझे 3 मिनट तक लेट कर दिया। धनी ने कहा कि पहले इनका वर्णन कर दो फिर सुंदर साथ उत्तर दें। अब पहले कल के प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। सुंदर साथ जी मूल मिलावे के चारों तरफों कितनी सीढ़ियां आई हैं, तो मूल मिलावे के चारों तरफों अब आपने सुन लिया 3-3 सीढ़ियां आई हैं। और मूल मिलावे के कितने दरवाजे आए हैं, तो मूल मिलावे के 4 दरवाजे आए हैं। मूल मिलावे में कितने थंब आए हैं, तो मूल मिलावे में 64 थंब आए हैं। और मूल मिलावे में जवेरों के कितने थंब आए हैं, तो मूल मिलावे में जवेरों के 12 थंब आए हैं। और मूल मिलावे में धातु के कितने थंब आए हैं, तो मूल मिलावे में धातु के 4 थंब आए हैं। अब तो आपको विस्तार पूर्वक शिवजी साहिब जी ने सुना भी दिया। आइए आज के प्रश्न शुरू होते हैं। अब मूल मिलावे में चबूतरे की किनार पर कितने थंब आए हैं, मूल मिलावे में चबूतरे की किनार पर कितने थंब आए हैं। दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में दरवाजे के पूर्व दिशा में किस रंग के 4 थंब आए हैं, मूल मिलावे में दरवाजे की पूर्व दिशा में किस रंग के 4 थंब आए हैं। और मूल मिलावे के दक्षिण दिशा में 4 थंब कौन से रंग के आए हैं, मूल मिलावे के दक्षिण दिशा में 4 थंब कौन से रंग के आए हैं। चौथा प्रश्न है, मूल मिलावे में पश्चिम में कौन से रंग के 4 थंब आए हैं, मूल मिलावे में पश्चिम में कौन से रंग के 4 थंब आए हैं। और पांचवा प्रश्न है सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में उत्तर दिशा में 4 थंब कौन से रंग के आए हैं, मूल मिलावे में उत्तर दिशा में 4 थंब कौन से रंग के आए हैं। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो गए हो, आप तो एक पल में प्रश्नों का उत्तर दे देते हो। क्या बात है सुंदर साथ जी, क्या बात है, आनंद आ गया सुंदर साथ जी। चलिए कल के विनर की घोषणा कर देते हैं। कल की विनर है हमारी बलसार की रहने वाली लोपा जी, लोपा जी मितेश जी मेहता, लोपा जी बलसार की रहने वाली कल की विनर है। धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से और समस्त सुंदर साथ की तरफ से हमारी लोपा जी को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, आज इस मूल मिलावे की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे राइट 3 बजे और मूल मिलावे का पाठ नित्य प्रति करना। सुंदर साथ जी धाम धनी आपको यहीं बैठे बैठे मूल मिलावे का दर्शन करा देंगे। जिसको दर्शन करना है वो नियमबद्ध होके रोज मूल मिलावा पढ़ें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।